दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 आया और चला गया, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। इंग्लैंड ने इतिहास रचते हुए इसे अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड को इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। भारत सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गया था, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप किसी भी टीम के लिए बहुत मायने रखता है। ये क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है जो 4 साल के अंतराल के बाद आता है। अब 12 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं, जिनमें से 2 भारत ने, 2 वेस्टइंडीज ने, 5 ऑस्ट्रेलिया ने और 1-1 पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड ने अपने नाम किए। पिछले सारे वर्ल्ड कपों में कई ऐसे मौके आए जब खिलाड़ियों ने बिल्कुल ऐन मौके पर कैच छोड़ दिया और टीम जीतते जीतते हार गई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे मौकों के बारे में बताएंगे जब खिलाड़ियों ने कैच नहीं बल्कि विश्व कप ही छोड़ दिया। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब 2015 में वाटसन का कैच राहत अली ने छोड़ा था, ये वही विश्व कप है जब भारतीय टीम अपने सारे मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर न सिर्फ खिलाड़ियों का बल्कि पूरे देश का दिल तोड़ दिया था। 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था। इस विश्व कप के 3रे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 213 रन ही बना पाई। 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी ज्यादा अच्छी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 अहम विकेट मात्र 59 रन के स्कोर पर ही खो दिए, लेकिन वाटसन अभी भी क्रीज पर थे और अपने पैर जमा रहे थे। तभी वाटसन ने वहाब रियाज की एक गेंद को हवा में खेल दिया, लेकिन सब उस वक्त हैरान रह गए जब कैच लेने के लिए खड़े राहत अली ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया और इसके बाद वाटसन ने धमाकेदार 64 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 4 विकेट से जिताया और फिर भारत और न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह विश्व कप भी जीता था। 1999 में स्टीव वॉ का कैच छोड़ा था गिब्स ने। 1999 का विश्व कप भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम ही किया था। इसी विश्व कप का एक मैच दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इस मैच में हर्षल गिब्स ने शानदार शतक बनाया था, जिसकी बदौलत अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 271 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रीज पर उतरते ही डगमगा गई और अपने 3 बेहतरीन विकेट मात्र 48 रनों पर ही गंवा दिए। इसके बाद कप्तान स्टीव वॉ बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने एक गेंद को हवा में खेल दिया जो गिब्स के हाथों में चली गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने बेहतरीन फील्डर होते हुए भी उन्होंने कैच छोड़ दिया। स्टीव वॉ ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए शानदार 110 गेंदों में 120 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इसी मैच की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया था। ऐसा कहा जाता है कि कैच छोड़ने के बाद स्टीव वॉ ने गिब्स से कहा था कि गिब्स तुमने कैच नहीं बल्कि विश्व कप भी छोड़ दिया। एडम गिलक्रिस्ट का कैच बनाम श्रीलंका 2007, ये वही विश्व कप था जब भारत बांग्लादेश से हारकर बाहर हो गई थी। इसे कोई भी भारतीय याद नहीं रखना चाहेगा। विश्व कप का फाइनल मुकाबला श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट तेजी से रन बना रहे थे। बारिश से बाधित 38-38 ओवरों के इस मैच में जब गिलक्रिस्ट महज 31 रन पर थे, तभी उन्होंने गेंद को हवा में खेल दिया, लेकिन ये कैच दिलारा फर्नांडो ने टपका दिया। इस मैच में गिलक्रिस्ट ने बेहतरीन 104 गेंदों में 149 रनों की पारी खेली थी। इसी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया यह वर्ल्ड कप भी जीता था। जब 2011 में सचिन के कई कैच पाकिस्तान ने छोड़ दिए, भारत और पाकिस्तान का मैच विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कहा जाता है। इस मैच को लेकर दर्शकों की दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। 2011 के विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के 4 विकेट मात्र 141 रनों पर ही गिर गए थे, लेकिन सचिन अभी भी क्रीज पर थे, जो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके कई कैच पाकिस्तान के फील्डरों ने छोड़ दिए। सचिन ने इन कैचों का पूरा फायदा उठाते हुए 85 रनों की पारी खेलकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था और पाक यह मैच 29 रनों से हारा था। फिर भारत ने इस वर्ल्ड कप को भी अपने नाम कर इतिहास रच दिया था।
2015 में जब मार्टिन गुप्टिल का कैच छोड़ा था सैमुअल्स ने। मार्टिन गुप्टिल की छवि एक खतरनाक बल्लेबाज की है जो एक बार अगर क्रीज पर जम गए तो फिर उनसे पीछा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 2015 के विश्व कप में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज आमने सामने थी। कीवी सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल का कैच मार्लन सैमुअल्स ने छोड़ दिया जब गुप्टिल महज 4 रन के स्कोर पर थे। फिर गुप्टिल ने इस मैच में जो कुछ किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलते हुए 237 रन बनाए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि न्यूजीलैंड यह वर्ल्ड कप नहीं जीत सका था।